फ्रेंड्स आज यहाँ पर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं लिनिमेंट्स। तो फ्रेंड्स ये जो आपका टॉपिक यहाँ पर रहेगा फार्मास्यूटिक्स का रहेगा, डी फार्मा फर्स्ट एस। तो जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पे सीरीज वाइज एंड सीरियल वाइज सभी टॉपिक फ्रेंड्स कवर करते हुए चल रहे हैं, जैसे कि टॉपिकल प्रिपरेशन हमारे यहाँ पे चला हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें हमने ऑइंटमेंट्स, क्रीम, पेस्ट एंड जेल, तो फ्रेंड्स फोर टॉपिक यहाँ पे फुल डिटेल्स में यहाँ पे कवर किए हुए। साथ ही में आज का फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे टॉपिक होने वाला है लिनिमेंट्स। तो फ्रेंड्स फुल डिटेल्स में हम इसको यहाँ पे कवर करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स की डेफिनेशन, साथ ही में हम देखेंगे फ्रेंड्स किस कौन से कंटेनर में हम इसको स्टोर करते हैं, साथ ही में इसकी स्टोरेज कंडीशन देखेंगे, देन फ्रेंड्स की लेबलिंग हम देखेंगे, देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखेंगे कितने टाइप्स हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पॉइंट टू पॉइंट्स वारी वारी से सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। अब फ्रेंड्स फर्स्ट हम देख लेते हैं चलिए इसकी डेफिनेशंस। अब डेफिनेशन देखने से पहले फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बनता है, यानी हमारे लिनिमेंट्स के होते क्या। तो फ्रेंड्स लिनिमेंट जो होते हैं बिल्कुल ही लोशन की तरह होते हैं, पर लोशन फ्रेंड्स हम एक सेपरेटली वीडियो आगे यहाँ पे कवर करेंगे। अब हमारे फ्रेंड्स लिनिमेंट जो होते हैं जैसे कि आपने समटाइम्स चलिए स्क्रीन पर आप देख लीजिए, एक हमारा रुमालिय का फ्रेंड्स लिनिमेंट्स आता है हिमालय का। क्या होता है फ्रेंड्स एज ए पेन किलर के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। साथ में फ्रेंड्स क्या होता है जो छोटे बेबी हमारे होते हैं, तो फ्रेंड्स क्या होता है मतलब वो बेबी पे क्या करते हैं उनकी स्किन वगैरह पर हम लिनिमेंट्स का यूज़ करते हैं, स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारी स्किन एक तरह से ड्राई स्किन हो जाती है उसको सॉफ्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एज ए पेन किलर के रूप में हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही टाइप से हम लिनिमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि आगे फ्रेंड्स हम स्टडी करेंगे। चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस। लिनिमेंट्स आर लिक्विड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स अप्लाइड विद फ्रिक्शंस ओवर अनब्रोकन स्किन। अब फ्रेंड्स हमारे जो यहाँ पे लिनिमेंट्स होते हैं ये एक तो हमारे लिक्विड और सेमी सॉलिड फ्रेंड्स दोनों ही फॉर्म में हो सकते हैं, साथ ही फ्रेंड्स को अप्लाइड किए जाते हैं हमारे फ्रिक्शन के साथ में हमारी अनब्रोकन स्किन पे। अब फ्रेंड्स अनब्रोकन स्किन कौन सी होती है, अब मान लीजिए एक तरह से चलिए एग्जाम्पल के उससे समझते हैं। फ्रेंड्स मान लीजिए आपको इंजुरी हो गई, अब फ्रेंड्स ये आपके क्या है कोई भी ऑर्गन है। अब इंजुरी जब होती है तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ पे कट लग जाता है, देन इसके अंदर से ब्लड बाहर आने लगता है। देन फ्रेंड्स ये जो हमारी अनब्रोकन स्किन होती है एक तरह से मतलब ये आपकी स्किन है, अब ना ही फ्रेंड्स चोट तो इस पर लगी यानी इंजरी तो हुई, लेकिन कहीं से ना ही तो ब्लड बाहर आए यानी हल्का हल्का वो रेड हो गया, यानी फिर रेड हो गया आपको पता चल गया भाई सूजन वहाँ पे आ गई है, वहाँ पे पेन हो रहा है, यानी बहुत ही टाइप से क्या है आपकी अनब्रोकन स्किन और इंजरी आपको जिसे कहते हैं ना जनरल जैसे गुम चोट लग जाना। तो गुम चोट जो फ्रेंड्स होती है उसमें पेन भी बराबर होता है, साथ ही में हल्का नीला वहाँ पर निशान हो जाता है, लेकिन वहाँ पर ब्लड वगैरह बाहर नहीं आता है। तो इस कंडीशन फ्रेंड्स हम क्या करते हैं यहाँ पर लिनिमेंट्स का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मोर इफेक्टिव हमारे होते हैं और इसीलिए हम इनको प्रिपेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स जनरली किस तरह से आप इसकी डेफिनेशन बना कर लिख सकते हैं, यानी हमारे लिनिमेंट जो होती है लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं जिनको हम फ्रिक्शन के साथ में हमारी अनब्रोकन स्किन पे यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट हम इसका देख लेते हैं, दे डायरेक्टली अप्लाइड ऑन अफेक्टेड एरिया। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कोई हमारा एरिया है जिस पर हमारे क्या है इंजुरी वगैरह हुई है, तो डायरेक्टली हम उस पर यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है आप माउथ से टेबलेट ले रहे हैं तो भाई आपके बॉडी पेट में दर्द है तो माउथ से लेंगे, ऐसे नहीं आप पेट से टेबलेट ले लेंगे तो माउथ से लेते हैं वहाँ पर इफेक्ट करती है। तो ये जो हमारे लिनिमेंट्स होते हैं डायरेक्टली अफेक्टेड एरिया पर इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लिनिमेंट्स आर आइदर सॉफ्ट सॉल्यूशंस और इमल्शंस। अब फ्रेंड्स हमारे जो जैसे हमारे लिनिमेंट्स होते हैं या तो ये सॉफ्ट की फॉर्म में हो सकते हैं सॉल्यूशन की फॉर्म में, साथ ही हमारे इमल्शन की फॉर्म में भी ये देखने को हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लिनिमेंट्स कंटेन काउंटर इरिटेंट। अब फ्रेंड्स क्या होता है जो हमारे काउंटर इरिटेंट का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, यानी हमारे जो बॉडी पे इरिटेशन हो रही है उस इरिटेशन को एक तरह से काउंटर करने का वर्क यहाँ पे करते हैं, जिसकी वजह से उसको रिमूव करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारे टर्पीन के और मिथाइल सेल साइलेट्स के यहाँ पे हमारे लिनिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम यहाँ देख लेते हैं, इन एडिशन टू प्रोड्यूस रूबीफेसियंट एक्शंस इन एल्कोहल इन लिनिमेंट्स आल्सो प्रमोट ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब फ्रेंड्स ये क्या करते हैं हम यानी एडिशन करने से क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं रूबीफेसियंट एक्शन। अब फ्रेंड्स इसका मीन्स यहाँ पे क्या होता है, यानी जिस एरिया पे फ्रेंड्स हम इसको यूज़ करते हैं, यानी मान लीजिए आपकी क्या है कोई भी फ्रेंड्स इंजुरी है, अभी क्या ये आपकी इंजुरी है, अब आपने क्या किया फ्रेंड्स लिमिनेंट्स को या तो आपने चलिए फिंगर वगैरह पे ले लिया, आपने किसी चलिए कॉटन पे आपने लिया, अब कॉटन फ्रेंड्स आपने इस तरह से लिया और इसके ऊपर इस तरह से फ्रिक्शन के साथ में यानी मल के आप इसका यूज़ यहाँ पे करते हैं। तो इस तरह से जहाँ फ्रेंड्स आप इसका यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे क्या करता है हल्का रेड यहाँ पे कर देता है। अब रेड करने से फ्रेंड्स क्या होता है जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है यहाँ पे प्रमोट हो जाता है, यानी एब्जॉर्प्शन इसका इंक्रीज अच्छा हो जाता है। अभी किसकी वजह से फ्रेंड्स आप रूबीफेसियंट यानी रूबीफेसियंट एक्शन आपको मिला ओनली एल्कोहल के प्रेजेंट्स की वजह से। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कंटेनर्स, यानी फ्रेंड्स हमारे जो लिनिमेंट्स होते हैं कौन से कंटेनर्स में इनको रखा जाता है। तो लिनिमेंट शुड बी डिस्पेंस्ड इन कलर्ड फ्लोटेड बॉटल्स। अब फ्रेंड्स हमारे जो कलर फ्लोटेड बॉटल्स होती है जनरली आपको देखने को मिलता है जो हमारे सिरप या सस्पेंशन होते हैं, यानी कलर्ड बॉटल होती है जिससे फ्रेंड्स यूवी रेज वगैरह से आपस में क्या कर सके वहाँ पे रिएक्शंस ना कर सके। तो कलर फ्लूटेड फ्रेंड्स जो बॉटल्स होती है उसमें इसको यहाँ पे कंटेनर्स में रखा जाता है।
अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टोरेज। फ्रेंड्स किस तरह से हम इसकी स्टोरेज करते हैं, यानी लिनिमेंट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड और एयर टाइट कंटेनर्स इन कूल प्लेस। अब फ्रेंड्स क्या होता है, एक तो हमारे टाइटली क्लोज्ड और एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, उनमें और कूल प्लेस पे इनको स्टोर किया जाता है। अब फ्रेंड्स कूल प्लेस पे क्यों किया जाता है, क्योंकि इनका एक तरह से टेम्परेचर मेंटेन होता है कि कितने टेम्परेचर पे इनको रखना है। अब ये टेम्परेचर डिसबैलेंस होता है तो भी ये ख़राब हो सकते हैं, इस वजह से फ्रेंड्स क्या होता है कूल प्लेस पे इनको रखा जाता है। अब फ्रेंड्स जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं और वेल क्लोज्ड कंटेनर्स होते हैं, यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स ना ही तो इसके अंदर एयर आ सके और साथ ही में जो हमारे क्या होते हैं यूवी रेज यानी सूर्य का प्रकाश एक तरह से होता है वो भी इसके अंदर एंटर ना कर सके, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रेंड्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेबलिंग। अब फ्रेंड्स इसकी लेबलिंग क्या होती है, तो जनरल जितने भी लिमिनेंट्स फ्रेंड्स होते हैं उनका भी आप टॉपिकल यूज़ करें अपनी एक्सटर्नल स्किन पे, तो एक तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिलेगा फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। अब ऐसे नहीं है लिनिमेंट्स आपके सॉल्यूशन की फॉर्म में तो आप उनको खाएंगे यानी एडमिनिस्ट्रेट करेंगे या इंजेक्शन में लेकर आप उसको लगा लेंगे, क्या होते हैं फ्रेंड्स ओनली एक्सटर्नल यूज़ आप इनका करते हैं। शेक वेल बिफोर यूज़, यानी फ्रेंड्स जब भी आप लिनिमेंट्स का यूज़ करते हैं तो यूज़ से पहले आप क्या करते हैं उसको शेक करते हैं, एक तरह से जैसे सस्पेंशन होता है ना आपका इस तरह से उसको हिला के पहले शेक करते हैं, जिससे उसके जो इंग्रेडिएंट्स उसमें प्रेजेंट्स होते हैं फ्रेंड्स वो एक्टिव फॉर्म में अपने आ जाए, दोबारा से वो मिल जाए, उसके बाद ही अपना पूरा इफेक्ट वहाँ पर शो करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नोट टू बी अप्लाइड टू ओपन वाउंड। अब फ्रेंड्स क्या होता है, चलिए मान लीजिए आप एक तो आपकी ये वाउंड थी यानी क्या थी आपकी जुकाम छोट थी, तो आपने क्या किया कॉटन पे इस तरह से यूज़ कर लिया, चलिए इफेक्ट कर दिया। अब एक आपकी क्या है यहाँ पे ब्रोकन स्किन है, यानी इस तरह से फ्रेंड्स ब्लड इसके बाहर आ रहा है, कटी फटी स्किन, कहीं भी इंजुरी आपको होगी, अब उसको अगर आप इसके ऊपर यूज़ कर लेते तो ये यहाँ पे इसके अंदर चला जाएगा। अब फ्रेंड्स आप इरिटेशन कॉज कर देगा एक तरह से, इन्फेक्शन वगैरह यानी सीरियस कंडीशन आप देखने को मिल सकती है, इसलिए इसको प्रिपेयर किया जाता है ओनली फ्रेंड्स जो आपकी अनब्रोकन स्किन होती है यानी जो गुमचोट वगैरह होती है यानी एक तरह से रेडनेस वगैरह हो जाती तो उसमें इसका ओनली यूज़ हम करते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिनिमेंट्स, यानी फ्रेंड्स कितने टाइप्स के हमारे लिनिमेंट्स होते हैं और किस किस तरह के हम थेरापूटिक यूज़ ये दे सकते हैं, तो इसको फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। लिनिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोस, यानी फ्रेंड्स इसको किस तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स थ्री टाइप्स इसको क्लासिफाइड हम यहाँ पे कर सकते हैं, चलिए वारी वारी से देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर थेरापोटिक इफेक्ट, यानी फ्रेंड्स किस तरह से अपने थेरापोटिक इफेक्ट शो करते हैं, तो फर्स्ट हम इसके बेस पे इसको क्लासिफाइड करते हैं, जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं एनाल्जेसिक लिनिमेंट्स। अब फ्रेंड्स क्या होते हैं जितने पेन किलर लिनिमेंट्स होते हैं जैसे कि हिमालय का लिनिमेंट्स होता है जो हिमालय वगैरह कंपनी वहाँ पर देती है, साथ ही फ्रेंड्स बहुत ही टाइप्स के क्या होते हैं हमारे पेन किलर एक तरह से लिनिमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं एज ए एनाल्जेसिक की फॉर्म में। अब फ्रेंड्स इसके अंदर आप चाहे तो 2 या 3 पॉइंट्स इसके अंदर बना के लिख सकते हैं अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। जनरली फ्रेंड्स क्या होता है ओनली शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में यानी 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में आपसे हमेशा पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से फ्रेंड्स इनफ हमने आपको लिखाया हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इरिटेंट लिनिमेंट्स। तो फ्रेंड्स क्या होता है जो हमारी बॉडी पर इरिटेशन वगैरह हो जाती है, जब मान लीजिए किसी एरिया पर इरिटेशन कॉज हो गई तो उसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स हम इनका यूज़ करते हैं, तो हमारे वो कौन से एजेंट्स होते हैं एक तरह से इसके अंदर इरिटेंट एजेंट्स उनके अंदर यूज़ किए जाते हैं जो हमारे इरिटेंट लिनिमेंट्स यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी लिनिमेंट्स। अब फ्रेंड्स ये कौन से होते हैं, यानी आपके जिस एरिया में फ्रेंड्स क्या हुआ है वहाँ पर चोट वगैरह लग गई है, यानी फ्रेंड्स तो क्या होता है मान लीजिए चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, ये आपका एरिया है अब इस पर चोट लगी तो क्या फ्रेंड्स इंजरी वगैरह हो गई तो यहाँ पे सूजन आ गई एक तरह से इन्फ्लामेशन इसके ऊपर यहाँ पे कॉज हो गई। अब फ्रेंड्स इन्फ्लामेशन कॉज होगी तो भाई आपको इसमें पेन भी ज़्यादा होगा तो इसको रिड्यूस भी आपको करना है, तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स क्या करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी लिनिमेंट्स का हम यूज़ करते हैं जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने का वर्क यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंगिसाइडल लिनिमेंट्स। अब फ्रेंड्स ये हमारे कौन से होते हैं, तो राम साहब आपको पता चला है फंगिसाइडल यानी फंगिस को किल करने का वर्क करते हैं, यानी भाई मान लीजिए आपकी बॉडी पे क्या हो गया एक इन्फेक्शन हो गया फंगिस के थ्रू यानी फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो क्या करते हैं फ्रेंड्स फंगिसाइडल होते हैं यानी क्या करते हैं उसके विद स्पोरों के साथ में क्या करते हैं उसको वहाँ पे किल कर देते हैं, तो ये हमारे कौन से होते हैं फंगिसाइडल लिनिमेंट्स होते हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स हम एंटी फंगल एजेंट्स का यूज़ करते हैं इसके प्रिपरेशन में। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। तो फ्रेंड्स जो हमारे नेचर डिस्पर्सन मीडियम के नेचर के यहाँ पे लिनिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट हमारे होते हैं फैटी लिनिमेंट्स। अब फ्रेंड्स ये फैटी एसिड से यहाँ पे कंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे होते हैं एल्कोहल लिनिमेंट्स, तो फ्रेंड्स हमारे एल्कोहल से यहाँ पे कंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे होते हैं सोप एल्कोहल लिनिमेंट्स। अब फ्रेंड्स हमारे सोप और साथ ही में एल्कोहल से दोनों से मिलकर यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमें आप देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ डिस्पर्स सिस्टम, यानी फ्रेंड्स हमारे जो डिस्पर्स सिस्टम्स होता है उसके बेस पे इसको क्लासिफाइड किया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट हमारे होते हैं होमोजेनस लिनिमेंट्स, देन सेकंड हमारे होते हैं हेटरोजेनस लिनिमेंट्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्लासिफिकेशंस बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट में हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, यानी फ्रेंड्स हमारे जो लिनिमेंट्स होते हैं किस तरह से हम उनकी प्रिपरेशन करते हैं फ्रेंड्स इसको हम देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स इसको आपको एग्जाम्स में ज़रूर बना कर आना है फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी इंप्रेसिव आपके लिए लगेगा और साथ ही में एग्जामिनर आपको इस टॉपिक के पूरे ही मार्क्स वहाँ पर दे देगा।
अब फ्रेंड्स चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं एक टर्पिन लिनिमेंट्स, यानी फ्रेंड्स हमारे जो टर्पिन लिनिमेंट्स होते हैं आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। अब फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम कौन कौन से एजेंट्स इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे होता है आरएक्स। अब आरएक्स का मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हर एक प्रिस्क्रिप्शन पे आरएक्स आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब फ्रेंड्स इसका मीन्स होता है यहाँ पे टू टेक, यानी जितने इंग्रेडिएंट्स फ्रेंड्स आप यहाँ पे दिए हुए हैं उनको कितनी क्वांटिटी में और कैसे उनको टेक करना है फ्रेंड्स, इसका मीन्स यहाँ पे यही होता है। फर्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स पे इंग्रेडिएंट्स और सेकंड हम देखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी, यानी कौन से इंग्रेडिएंट्स कितनी क्वांटिटी में लें जिससे हमारा यहाँ पे टर्पिन लिनिमेंट्स यहाँ पे प्रिपेयर हो। तो फिर फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे सॉफ्ट सोफ फ्रेंड्स हम लेते हैं जिसको 90 ग्राम हम लेते हैं, कम्फर को हम लेते हैं 50 ग्राम, टर्पेंटाइन ऑयल फ्रेंड्स हम 650 ml लेते हैं, साथ ही हमारे प्योरीफाइड वाटर जिसको हम QS भी कहते हैं फ्रेंड्स 1000 ml ले लेते हैं। इन सबको भी मिक्स कर लेते हैं और हम अपना एक लिनिमेंट्स बना लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरा ही टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट होता है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी टाइप के फ्रेंड्स वीडियो हम हमेशा अपलोड करते रहते हैं।